हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी मैं चला रहा हूँ R15 V3 और इसमें लगा है एग्जॉस्ट। अभी तक आपने थंबनेल देख लिया होगा, आपको पता चल गया होगा। एंड इनफैक्ट ये वाला जो व्लॉग है वो होने वाला है फुल ऑफ एनर्जी। आज भी तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा पम्प्ड अप है। वाओ मैन, तो एग्जॉस्ट की आवाज़ सुन लो पहले, फिर एक जगह रुक के प्रॉपर दिखाता हूँ। क्या बात है, क्लचलेस डाउनशिफ्ट पे आवाज सुनना, देख रहे हो आप। मजा आ गया भाई। तो बाय द वे, दिस इज R15 V3 नॉट V4 और M। तो ये बाइक थी जिसको मैं मैक्स आउट किया था 156-157 पे। मतलब ये सेम बाइक नहीं थी बट R15 V3 थी। तो जो नई वाली R15 V4 है, R15 M है ना, बाइक तो बहुत बढ़िया है। लुक तो डेफिनेटली क्या अपग्रेड मिला है, 10/10 दूंगा मैं लुक के मामले में। बट टॉप स्पीड के मामले में वो थोड़ा सफ़र करने लगी है। आई डोंट नो इसके पीछे रीज़न क्या है। BS6 नॉर्म्स की वजह से जो बाइक है वो एक्सहेल नहीं कर पा रही है। अब जो भी रीज़न हो, बट वो गाड़ी 140 तक 145 तक मैक्स आउट हो जा रही है मैक्सिमम। मेरी जो R15 M थी वो कहो 140 भी ना पहुँचे, 137-138 तक जाती थी, मैक्स आउट होने लगती थी। पता नहीं क्या था उसका सीन एग्जैक्टली, मैं कभी समझ नहीं पाया। तो यहाँ पे साइड में रुक के आपको बाइक दिखा देता हूँ सबसे पहले मैं। सो बाइक का कलर है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, धूप में काफ़ी शाइन कर रहा है। और यमहा का अगर आप सिग्नेचर कलर बोलो तो यही है। ऑल दो जो R15 है, मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि आप R15 अगर M ले रहे हो ना, तो उसका वही वाला कलर लो जो रियल R1 M का आता है, वो बेस्ट लगता है एकदम। बाकी मॉन्स्टर एडिशन V3 में भी आता था, तो उसको अगर आप लोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों को डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होगी कि V3 है कि V4 है, बिकॉज दूर से जो ओवरऑल डिज़ाइन शेप है वो अभी भी वही है। बट फेयरिंग जो लुक है वो थोड़ा चेंज कर दिया गया, ज्यादा शार्प हो गई है। तो बाय द वे उसकी बातें बाद में करेंगे, अभी आपको दिखा रहे हैं R15 V3। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक्सटेंडर्स लगे हैं, दिस इज़ फ्रॉम साइगा पार्ट्स। और उसके अलावा यहाँ पे इंडिकेटर्स लगे हैं, जो स्टॉक इंडिकेटर्स थे वो हटा दिए गए हैं। मेन अपना जो शो स्टॉपर है दैट इज़ दिस एग्जॉस्ट एंड इट इज़ अक्रा प्रोविच, बट इट इज़ नॉट ओरिजिनल, ये फर्स्ट कॉपी है डेफिनेटली। एंड क्वालिटी देखो टॉप नॉच लग रही है। बेस्ट पार्ट पता है एग्जॉस्ट का क्या लग रहा है, ये कटआउट बहुत सेक्सी लग रहा है। साइड वेस्ट जो साइड कटआउट होते हैं ना, बड़े क्लासी लगते हैं देखने में, मस्त लगते हैं। नॉर्मल एग्जॉस्ट में आपको गोल कटआउट मिलता है, इसमें चॉप्ड मिल रहा है, तो ये चॉप बड़ा सही लग रहा है। उसके बाद पीछे टेल टाइडी लगी है बड़ी खतरनाक सी, ऐसा लग रहा है कोई हथियार है भाई, निकाल के दे दो किसी को। उसके बाद पीछे के भी इंडिकेटर्स चेंज हैं, बड़ी सॉफ्ट से लाइट से इंडिकेटर्स लग रहे हैं। आप व्हील्स देख सकते हो, रिम्स देख सकते हो, उस पर स्टिकरिंग की गई है, जो रिम स्टिकर्स होते हैं वो लगे हुए हैं, R15 Yamaha लिखा हुआ है। और एज सच R15 V3 ऑलरेडी आपने इतनी देख रखी है कि मुझे नहीं लगता और बहुत कुछ बताने वाला है। आगे यहाँ पर भी मास्क लगा है लाइट पर, और उसके बाद विंगलेट लगा है, बस दैट्स इट। तो चलो अब राइड करते हैं यार, मेन मज़ा राइड का है। वाओ मैन, R15 को मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, जब भी चलाता हूँ ना सोलो तो मज़ा बहुत आती है। स्पेशली अगर V3 हो ना, तो V3 में थोड़ा सा ग्रंट और ज़्यादा फील होता था व्हेन कंपेयर टू V4। फुल थ्रॉटल मैन, फुल थ्रॉटल, मज़ा आ गया। इतना ज़्यादा जोश में था कि कट है यहाँ, कट ही भूल गया, कट से भी आगे निकला जा रहा हूँ।
टाइप का 0 to 100 करें क्या? आपने को आजकल हर बाइक का 0 to 100 करने में बहुत मजा आने लगी है। तो बाय द वे एग्जॉस्ट की आवाज़ नहीं सुनाई मैन, कैसे भूल सकता हूँ मैं। चलो यहाँ पे रुक के आवाज़ सुना देते, एक बार वहाँ पे रुका, एक बार यहाँ पे रुक रहा हूँ, देख रहे हो ज़्यादा ही मज़े ले रहा हूँ मैं आजकल व्लॉग करते टाइम। कमेंट करके बताओ आवाज़ कैसी लगी, मुझे पर्सनली बढ़िया लग रही है, थोड़ी सी लाउडर साइड पे है डेफिनेटली, बट मज़ा आ रही है। चलो 0 to 100 लॉन्च करते हैं R15 V3 को इन 3, 2, 1। मुझे लगता है परफेक्ट टाइमिंग आ गई होगी भाई। यार क्या फीडबैक मिलता है, अगर 150 सीसी की बात करें ना यार, तो आप बोलो कुछ भी, आप इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते हो कि इससे ज़्यादा पावरफुल, इससे ज़्यादा अच्छी एक 150 सीसी बाइक नहीं हो सकती है। अब 150 सीसी वो कैटेगरी ही ऐसी है कि लोग उसको 200-250 से कंपेयर कर देते हैं बिकॉज ऑफ द प्राइस रेंज ऑफकोर्स, तो इसलिए ये थोड़ी अंडर पार फील होने लगती है, स्पेशली अगर आप डबलिंग करो। डबलिंग अगर आप नहीं करो, सोलो चल लो, तो भाई आपको बहुत मज़ा करने वाले हो इस बाइक पे, इस पे या V4 पे या M पे। क्या बात है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, देखो यमहा भी चाहता है कि आप डबलिंग मत करो इस बाइक पे। पिछली सीट इतनी ज़्यादा खतरनाक हार्ड दी उन्होंने R15 M, R15 V4 की, एकदम भाई पत्थर है। तो वैसे भी आपका पिलियन थोड़ी देर में शिकायत करेगा आपसे कि मैं नहीं बैठ रहा भाई तेरे पीछे, तुम सोलो जाओ और फिर आप मज़े करोगे। जस्ट किडिंग बाय द वे। और आई होप आप लोग को व्लॉग में आजकल वो एनर्जी फील हो रही होगी भाई, क्योंकि बाहर का खाना कम कर दिया, घर के मम्मी के हाथ का खाना खा रहा हूँ भाई, एंड अलग ही एनर्जी रहती है मैन बॉडी में, पूरे टाइम ऐसे पम्प अप फील करता रहता हूँ। इन बाइक्स को भगाने का सबसे ज़्यादा मज़ा पता है कहाँ पे आता है? ट्रैफिक में, जब आपको फ़िल्टर करना हो, क्योंकि हैंडलिंग टॉप नॉच होती है, ब्रेक्स अच्छी होती हैं। तो देखो MT का तो भाई, MT 15 की तो टक्कर ही नहीं है भाई, उससे अच्छी हैंडलिंग तो मैंने देखी नहीं, बट R15 में भी आप काफ़ी मज़े कर सकते हो। मतलब 7-10 का अंतर, अगर MT 10 तो ये 7 है हैंडलिंग में। क्या शिफ्ट हो रहे हैं भाई, मज़ा आ जा रहा है। इस बार मैंने मिस करा, क्या बात है भाई। एग्जॉस्ट लगने के बाद मजा आती है क्लचलेस अप एंड डाउन शिफ्ट की भाई, एग्जॉस्ट नहीं लगा तो वो फील नहीं आता। एग्जॉस्ट के बाद जब वो पॉप्स एंड क्रैकल्स आते हैं ना भाई हल्के हल्के, मजा आ जाती है, वो बटरफ्लाइज वाली फीलिंग आती है एकदम स्टमक में। अब जो भी राइडर्स हैं यार वही समझ सकते हैं कि कैसा लगता है बाइक भगा के। बाकी आप लोग को अगर बेनेली पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, और अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक हो गए तो डेफिनेटली मैं बेनेली ला रहा हूँ आप लोग के लिए विद ऑस्टिन रेसिंग एग्जॉस्ट, विद डुअल एग्जॉस्ट मैन, डुअल अंडर सीट एग्जॉस्ट, मज़ा आ जाएगी। तो आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। बाकी अगर आपको एग्जॉस्ट ले रहे हैं तो आप रेस डायनामिक्स लखनऊ से कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से जाके मैसेज भी कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट पता ही क्या होता है, अगर आप डायरेक्ट जाके एग्जॉस्ट लेते हो, अगर आप ऑनलाइन मंगाओगे तो देखो आप चूज़ नहीं कर सकते, आपको पता नहीं चलेगा कैसी आवाज़ आने वाली है, बट अगर आप रेस डायनामिक्स में लगवाओगे तो आप अपने कानों से सुन सकते हो आवाज़ कि बाइक कैसी आवाज़ करेगी। बाकी इट्स टाइम टू एंड द व्लॉग, इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो भाई, ज़बरदस्त रील्स एंड पोस्ट आ रही है, यकीन नहीं होता, आप खुद जाके चेक करो, अच्छा लगे तभी फॉलो करना। देखो ज़बरदस्ती है। कोई बात नहीं यार, देखो ज़बरदस्ती कोई नहीं है। बाकी सी यू सून द नेक्स्ट व्लॉग, राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ, एंजॉय मैन।